हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? आज हमने अपने किचन में मूंग की दाल की खिचड़ी बनाई है, जो कि ग्रीन कलर की है और बहुत टेस्टी है, डिलीशियस सी है और बहुत ज़्यादा सिंपल रेसिपी है। बिल्कुल मतलब कुछ इसमें सामान ऐड ऑन नहीं करना। खिचड़ी का मीन्स होता है लाइट वेट कोई चीज़ खाना, तो ये उसी तरीके से मैंने बनाई है। एक्स्ट्रा इसमें कोई मसाला ऐड नहीं किया, तो आप भी बना के देखिए, बहुत अच्छी ये लगती है, आपको भी पसंद आएगी। तो फिर चलिए बनाते हैं हनीफा के किचन में, हनीफा के साथ मूँग की दाल की ग्रीन वाली खिचड़ी। चलिए तो फिर खिचड़ी बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने मूंग की दाल ली है ग्रीन कलर की, जो इस टाइप से होती है, आप देख लीजिए अच्छे से। और ये खुशबू वाले चावल लिए हैं, बारीक खुशबू वाले। अगर हम किसी भी बुरी क्वालिटी के या मोटे चावल लेंगे तो उसमें टेस्ट अच्छा नहीं आता। तो हमने दो हिस्सा दाल लिए है मेजरमेंट के अकॉर्डिंग, और एक हिस्सा हमने चावल लिया है। तो इसको मिक्स करके अच्छे से हम वॉश कर लेंगे। ठीक है, हमने खिचड़ी अपनी अच्छे तरीके से वॉश कर ली है। दाल चावल हमने कुकर लिया है, तो हम खिचड़ी कुकर में बनाएंगे। तो हमने इसमें रिफाइंड ऑयल करीब एक चमचा इसमें प्री हीट कर लिया है। आप चाहो मस्टर्ड ऑयल में अगर आप बना दें तो आप उसमें भी बना सकते हैं। अगर आप घी में बनाते हैं तो आप घी में भी बना सकते हैं। तो इसमें हम एक पूरी गांठ प्याज की लेंगे, इसे बारीक मतलब जैसा भी आप डाइस में काटना चाहें। इतनी बड़ी हमने प्याज ली है, तो इसे हमने थोड़ा सा रफली चॉप काट लिया है, थोड़ा सा बारीक भी कर लिया है। तो इसे हमें फ्राई ज़्यादा गोल्डन नहीं करना, जब प्याज पिंक हो जाए तभी हमें अपनी खिचड़ी इसमें फिर डाल देनी है दाल चावल। अगर हम इसे ज़्यादा गोल्डन करेंगे और तो फिर ये खिचड़ी काले कलर की हो जाएगी, तो हमें काली बिल्कुल भी नहीं बनाना, हमें इसे बिल्कुल ग्रीन बनानी है। अपनी प्याज बिल्कुल इतनी ही चाहिए कि ये हल्की पिंक सी भी हो गई है, और तो हम इसमें अपनी सारी खिचड़ी डाल देंगे इस टाइप से। मैं डाल नहीं पा रही तो ज़रा देखिए, हमने इसमें खिचड़ी डाल दी है और अब हम इसमें पानी डाल देंगे। हमें थोड़ी पतली खिचड़ी बनानी है, तो मैं इसमें थोड़ा पानी डाल रहे हैं ज़्यादा। अगर आप पतली खिचड़ी नहीं खाती, आपको गाढ़ी पसंद है, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें एक दो ग्लास पानी डालिए तो आपकी गाढ़ी बनेगी। मुझे थोड़ी पतली खिचड़ी बनानी है, तो मैं थोड़ा सा और पानी ऐड करूँगी। अगर आपका दिल कुछ हल्का खाने का हो तो आप इस टाइप से खिचड़ी बनाइए, बहुत ज़्यादा टेस्टी और बहुत ज़्यादा सिंपल तरीके से बनती है। इसमें थोड़ा नमक डालते हैं हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, और हमें इसमें कुछ ऐड नहीं करना। अब हम इसमें दो विसल लगाएंगे, उसके बाद हम इसे तुरंत खोल लेंगे। दो विसल आ गई है तो अब हम बिल्कुल भी टाइम बर्बाद नहीं करेंगे अपना, और इसे खोल लेंगे। इसके अगर खोलेंगे नहीं हम, तो फिर इसकी खिचड़ी जो हम बना रहे हैं वो पीली हो जाएगी, हमें येलो कलर की खिचड़ी तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ये देखिएगा, हमें ऐसी खिचड़ी चाहिए, खिचड़ी हमारी बनकर तैयार हो गई है। ये देखिएगा कितनी हरी हरी खिली खिली। तो हम इसे खाने के लिए चटनी तैयार कर लेते हैं अपनी। चलिए तो फिर अब हम चटनी की तैयारी कर लेते हैं। तो चटनी में हमने इसमें ढेर सारा सा धनिया लिया है, जो कि धनिया बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है चटनी में। तो एक सिंपल सी चटनी बनाएंगे हम। तो इसमें हमने तीन हरी मिर्च लिए, तो हरी मिर्च मैं दिखा देती हूँ मैंने इस टाइप से लिए, अपने अकॉर्डिंग आप लीजिए। अगर आपकी तेज़ हो तो आप एक ही ले लीजिए, तो ये नॉर्मल है, ना तेज़ है ना ज़्यादा है। तो मैंने तीन हरी मिर्च लिए, और इसमें इतना सारा लहसुन लिया है क्योंकि लहसुन का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है चटनी में। एक सिंपल चटनी बनानी है, तो इसमें थोड़ा नमक डालेंगे, नमक भी हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे, कम ज़्यादा ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि बाद में तो ऐड ऑन कर सकते हैं हम, अगर ज़्यादा हो गए तो फिर निकाल नहीं सकते। तो इसमें थोड़ा हम पानी डालेंगे, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, आधा कप के करीब, क्योंकि अगर ज़्यादा हो गया तो फिर हमें ज़्यादा पतली चटनी नहीं बनाना। ठीक है, टेस्टी अम्मी डिलीशियस सी हमारी चटनी तैयार हो गई। अब इसमें चाय, आपको खट्टी पसंद हो तो आप इसमें नींबू ऐड कर सकती हैं। अगर आपको खटाई बिल्कुल पसंद नहीं है तो आप ऐसे भी खिचड़ी में डाल के खा सकती हैं। तो फिर चलिए सर्व करते हैं हम खिचड़ी। देखिएगा कितनी टेस्टी हरी हरी खिचड़ी लग रही है, आपको इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, आप भी बना के देखिएगा। ग्रीन चटनी के साथ तो ये देखिएगा हमारी खिचड़ी कितनी अच्छी लग रही है, और बहुत ज़्यादा जल्दी बन गई, और इसमें टेस्ट भी बहुत है। और आप भी बनाकर देखिएगा, बहुत सिंपल तरीके से बनी है। अच्छे लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सभी कर देना। हाँ, आप इसमें घी डाल के खाइएगा, मेरे बच्चे थोड़े से डाइट कॉन्शियस है तो वो घी नहीं खाएंगे, तो इसलिए मैंने इसमें नहीं डाला।
ये से इसका टेस्ट फ्लेवर बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है। तो फिर चलिए फिर मिलेंगे नई प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी रेसिपीज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।